नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। स्वागत है आपका जीएस मंत्रा के प्रोग्राम टाइम टू टाइम में। अब फ्रांस और इजराइल से भी आर्म्स इंपोर्ट करेगा इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में शुमार इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। एडवांस वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे इंडिया ने पिछले 5 साल में विदेशों से हथियार के इम्पोर्ट में 33% की कमी की है। वह भी तब जब पूर्वी लद्दाख में इंडिया का चीन के साथ तनाव अपने चरम पर है। हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सीप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस अभी भी इंडिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, लेकिन उसे इंडिया से तगड़ा झटका लगा है। इंडिया अब इजराइल और फ्रांस से हथियारों की खरीद पर ज्यादा तरजीह दे रहा है। वहीं अमेरिकी वेपन्स में भी इंडिया खास रुचि नहीं दिखा रहा। अमेरिका और रूस दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाले नेशंस हैं। सीप्री ने अनुमान जताया है कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में भले ही हथियारों के इंपोर्ट में काफी कमी की हो, लेकिन आने वाले 5 साल में इंडिया की बड़ी पैमानों पर हथियार खरीदने की योजना है। इसमें फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, युद्धक जहाज और सबमरीन शामिल हैं। इससे इंडिया का इंपोर्ट काफी बढ़ सकता है। सीप्री के मुताबिक सऊदी अरब के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। इंडिया के बाद इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। साल 2011-15 और 16-20 के बीच में इंडिया के विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है। पिछले 5 साल की अवधि में इंडिया ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं, लेकिन हथियारों के इस आयात में करीब 53% की गिरावट आई है। इंडिया अब रूस से पहले के 70% की बजाय केवल 49% हथियार ही खरीद रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2016 से 20 के बीच पाकिस्तान के वेपन्स इंपोर्ट में 23% की गिरावट आई है। पाकिस्तान अपने वेपन्स इंपोर्ट का 61% हिस्सा चीन से लेता है। पाकिस्तान बड़े पैमानों पर हथियारों की खरीद कर रहा है, जो उसे वर्ष 2028 तक मिल जाएंगे। पाकिस्तान 50 फाइटर जेट्स, 8 सबमरीन, 4 फ्रिगेट्स चीन से, 4 फ्रिगेट्स तुर्की से खरीद रहा है। एशिया के कई देश चीन को अपने लिए खतरा मानते हैं, इसीलिए बड़े पैमानों पर हथियारों की खरीद कर रहे हैं। वेपन्स के इंपोर्ट के मामले में इंडिया ने अमेरिका को भी झटका दिया है। साल 2011-15 के बीच में अमेरिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर देश था, लेकिन साल 2016 के बीच में अमेरिका चौथे पायदान पर चला गया। अमेरिका से हथियारों के इंपोर्ट में इंडिया ने 46% की कमी की है। साल 2016 से 20 के बीच इजराइल और फ्रांस क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे। वर्ष 2016 से 20 के बीच इंडिया का फ्रांस से वेपन्स इंपोर्ट 709% बढ़ा है। वहीं इंडिया का इजराइल के साथ वेपन्स इंपोर्ट 82% बढ़ गया है। इंडिया ने इसी अवधि के दौरान राफेल डील किया था, जिससे फ्रांस के हथियारों के इंपोर्ट में इतनी वृद्धि हुई है। राफेल प्लेन और उसमें लगी मिसाइलों की खरीद इंडिया के कुल इंपोर्ट का आधा है। हालांकि इस अवधि में इंडिया के कुल वेपन्स इंपोर्ट में गिरावट आई है। सीप्री ने कहा है कि इस कमी की वजह इंडिया की जटिल खरीद प्रक्रिया है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जीएस मंत्रा। नमस्कार।